सो स्टूडेंट टुडेज टॉपिक इज लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का क्लास 10th का। तो इसको हम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आया है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी का आंसर करूँगी। और या फिर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं, या कोई नोट्स के बारे में पूछना है तो भी आप मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी स्टूडेंट हैं, इनके साथ हम स्टार्ट करेंगे। इनकी क्वेरी के साथ शायद मैं आपकी क्वेरी भी सॉल्व कर पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट। Is there any criteria to find difference between what is living and what is non-living? When we see a horse running or a buffalo chewing cud or a child screaming on the streets, we know that these are living beings. What if the horse or the buffalo or the child were asleep? We would still say that they were alive. But how did we believe that? We see them breathing, that's why we say that they are alive. What about plants? How can we say that they were alive? We see them green. Some of us will answer, but what about those plants which have leaves of colors other than green? Some will answer that they grow over time, so we say that they are alive. Alternatively, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive. Similarly, some animals can breathe without visible motion, so we can't say visible movement is enough to define characteristics of life. देखिए फ्रेंड्स, लाइफ प्रोसेस जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है, तो इसका मतलब क्या है कि ज़िंदगी जीने के लिए जो जो प्रोसेस हम करते हैं वो सभी लाइफ प्रोसेस में आती हैं। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम ग्रोथ करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत होती है, चाहे आपका रेस्पिरेशन है, चाहे आपका डाइजेशन है, कुछ भी, तो ये सब क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा साइन है जिससे आप कह सकते हैं कोई चीज़ ज़िंदा है या मृत है, क्या साइन है, तो आप कहेंगे कि उसकी ग्रोथ होती है। तो क्या आप सबकी ग्रोथ देख सकते हैं? जब छोटे छोटे एनिमल्स ग्रोथ करते हैं तो क्या आप उनकी ग्रोथ को देख पाते हैं? नहीं देख पाते, तो आप नहीं कह सकते कि ये ग्रोथ है। देखिए, पर्सनली इसमें नहीं लिखा है, पर एक पर्सनल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक पर्सनल एक डिस्क्रिप्शन आपको मैं देना चाहूँ, तो मैं आपसे कहूँगी कि वो एनिमल जो अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का अर्थ है रिप्रोडक्शन से, यानी एक से दो, दो से चार, चार से छः, काट के नहीं, बिल्कुल सेम अपने जैसे जो प्रोडक्ट कर सकते हैं, 100% सेम भी नहीं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर लिविंग बींग्स, ओके, जो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं एंड रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग बींग्स। आई डोंट थिंक इसका एक्सप्रेशन आपको इजीली मिलने वाला है, और मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि कोई आपसे पूछे कि जीवन की पहचान क्या है, कि कोई जी रहा है या फिर जिंदा है तो क्या पहचान है, तो उसकी पहचान यही है। अच्छा, आजकल COVID-19 के बारे में आप बहुत पढ़ रहे हैं, एक वायरस है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, एक वायरस एक ऐसी चीज़ है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, यानी जीवित और मृत के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है, एक कड़ी है, ठीक है, जो लिविंग में भी आता है और जो नॉन लिविंग में भी आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वो है वायरस, ठीक है। तो आगे पढ़ें, नेक्स्ट पैराग्राफ। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। For instance, movement of molecules, this invisible molecular movement is necessary for life. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells. This is the reason there is a controversy about whether they are truly living or not living. Okay, तो देखिए direct अगला step में आप virus आ ही गया। तो virus में क्या होता है कि जब तक इसको living body नहीं मिलती,
लिविंग बॉडीज के बाहर जाने के बाद ये बहुत छोटे टाइम के लिए जीवित रहता है। जैसे अभी आपको COVID-19 के बारे में भी बताया जा रहा है कि कुछ समय ही जीवित रह पाता है, जब तक इसको अगर स्किन मिल जाए या फिर एक लिविंग बॉडी मिल जाए ह्यूमन बॉडी, तो इन्फेक्ट कर सकता है, ये पॉलीफ्रेट कर सकता है, यानी बढ़ सकता है। पॉलीफ्रेशन मतलब बढ़ना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर सकता है, अदरवाइज ये मृत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर ये इसकी वैल्यू डस्ट पार्टिकल से ऊपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही एक चीज़ है जो दोनों के बीच की कड़ी है। और आई थिंक यू गॉट, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Why are molecular movement necessary for life? We have learned in past classes that living organisms are well-organized structures. They can have tissue, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Due to of the effects of the environment, this managed order nature of living structures is very feasible. Keep breaking down over time. If this order breaks down, the organism will no longer be alive. So, it is necessary for living creatures to keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are consist of molecules, they must move molecules around all the time. Let us learn about the maintenance process in the living being. Okay, ठीक है, अब आप देखते हैं आपका घर है तो कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ फूट जाता है, कभी पंखा खराब हो जाता है, कभी लाइट खराब हो जाती है, कभी दीवार में से प्लास्टर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूस रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। देख पाते हैं ना आप इस चीज़ से, अपने आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? तो बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी होती है, कभी चोट लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, अभी आप दौड़ रहे हैं, आपको चोट लग गई, अब घाव को भरना ज़रूरी है ना, वो रिपेयरिंग आपको दिखाई देती है। बट आप नहीं जानते, जब आप हैंड शेक तक करते हैं, हज़ारों सेल्स आपकी बॉडी से झड़ जाती हैं, अब उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो अपर लेयर है स्किन की, उसमें सेल्स कंटिन्यूस झड़ती रहती हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे वायरसेस, कई सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती थी, आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी, नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर स्किन है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? यस, ओके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती थी, पर वो नहीं करती हैं, या फिर इन्फेक्ट कर देती हैं तो आपकी बॉडी के पास भी एक रिपेयरिंग मशीन है जो उस जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट कर देती हैं। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, आपको बहुत तेज़ फीवर हो जाता है, और फीवर की गर्मी से उसको मारने की कोशिश की जाती है, ठीक है। पर अति सर्वत वजेत, तो इसका सीधा सा मतलब है अति हमेशा बुरी होती है। तो अगर उसको मारने के लिए आपकी बॉडी आपकी इतना ज़्यादा बुखार कर दे कि आपको कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए, तो एक यही चीज़ मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो उस फीवर को एक पर्टिकुलर अमाउंट में रहने देते हैं, और या फिर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते रहते हैं, और आपके अंदर का इन्फेक्शन ख़त्म करते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि आपके अंदर का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए और आपकी बॉडी उसको अपना जो हीलिंग मैकेनिज्म है उसको रोक दे। ओके, समझ पा रहे हैं आप मुझे? यस, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई क्वेरी? नो, ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? द मेंटेनेंस फंक्शंस मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन रूम, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, दीज मेंटेनेंस फंक्शंस मस्ट गो ऑन। द प्रोसेस विच टुगेदर एकम्प्लिश द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले वाले पैराग्राफ में ही, तो हम आगे बढ़े। दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एंड दस रिक्वायर्स एनर्जी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस वेयर इन फूड अ सोर्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। Large amount of raw materials are required for external environment for a living organism to grow.
Most of these raw materials are carbon based. Thus, we can say that life on Earth depends on carbon based molecules. Different organisms use different kinds of nutritional process due to the complexity of these carbon sources. Okay friends, तो किसी को भी कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो आपकी लाइफ प्रोसेस के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी. आप देखते हैं ट्रेन जब चलती है तो एनर्जी लेती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक से ले, चाहे वो कोयले से ले, चाहे वो किसी चीज़ से ले लेती है. आप कुछ भी करते हैं तो आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, आपकी फूड से आती है. पर डिपेंड करता है आप किस टाइप का फूड इनटेक कर पाते हैं. जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हम पेड़ पौधे भी खाते हैं, हम जानवरों को भी खाते हैं. पर कुछ जानवर हैं वो स्पेसिफिक चीज़ें खाते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ पे होते हैं. आप देखिए मोल्ड्स होती हैं, वो सड़े गले चीज़ों पे ही सर्वाइव करती हैं. तो हर किसी का खाना अपने टाइप का होता है, हर किसी का न्यूट्रिशन अपने टाइप का होता है. पर न्यूट्रिशन होता है क्योंकि ज़रूरी है एनर्जी की, और एनर्जी हमें किससे मिलेगी, फूड से. परफेक्ट. As the environment is not under the control of the individual organism, the outside sources of energy could be quite different. These sources of energy therefore required to be broken down or built up in the body and must be finally transformed to a uniform source of energy that can be used for the different molecular movements required for maintaining life. Living structures as well as to the kind of molecules the body require to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reactions are some of the most habitual chemical means to break down molecules. For this, several organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of obtaining oxygen from outside the body and to use it in the process of breaking down of the food sources for cellular needs is called a respiration. Okay friends, तो अब आप क्या सोचते हैं कि सांस लिए बिना हम क्यों जिंदा नहीं रह पाते. एक छोटी सी बात है कि आपने केमिस्ट्री में अगर नहीं पढ़ी है अभी तक ना, तो आपको समय में पढ़ लेंगे कि ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने का काम करती है. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, जब मोमबत्ती के ऊपर, आप जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास रख दीजिए जो उसको वैसे ना बुझाए, उसको टच करते हुए ना बुझाए, आप नॉर्मली रख दीजिए तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है. क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? ऑब्वियसली वी हैव डन अर्लियर. ठीक है, आपने किया है, शायद बाकी लोगों ने भी किया होगा इस टाइप का एक्सपेरिमेंट. तो ऑक्सीजन जलाने के लिए ज़रूरी होती है. तो आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट से जो हमें जिस रूप में भी फूड मिलता है उसी रूप में आपकी बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है. जैसे आप बाहर से खाना लेके आते हैं तो सब्जियां लेके आते हैं तो डायरेक्ट सब्जी खा लेते हैं या उसको कुक करके खाते हैं? कुक करके खाते हैं. क्यों कुक करके खाते हैं? क्योंकि हम अगर कच्ची सब्जी खाएंगे तो उससे हमारी कभी कभी तबीयत भी खराब हो सकती है. एग्जैक्टली, आपकी तबीयत खराब हो सकती है क्योंकि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. ओके, तो यही एक प्रॉब्लम होती है कि बॉडी की इंटरनल साइड, मतलब आप कुक करके खाते हैं ताकि आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सके, और बॉडी कुक करके खाती है, यानी बॉडी उसको अपने हिसाब से मेंटेन करती है, चेंज करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डालती है ताकि बॉडी में जो सेल्स हैं वो उसको खा सकें. ओके, जैसे हम छोटे बच्चे को देते हैं चावल का दाना देंगे तो उसको थोड़ा सा हम पीस देते हैं, हम थोड़ा सा मैश कर देते हैं, कुछ इस तरह से दबा देते हैं और उसके बाद चावल का दाना उसको दे देते हैं. दे देना तो क्योंकि क्यों देते हैं, क्योंकि उसको मुँह में नाक नहीं है. ठीक है, जबकि चावल तो कितने सॉफ्ट होते हैं, फिर भी उसको हम क्या करते हैं, स्मूथ करके देते हैं. सेम ये होता है कि बॉडी के अंदर भी जब कोई चीज़ जाती है तो बॉडी उसको अपने अनुसार ब्रेक डाउन करती है, और अपने अनुसार ब्रेक डाउन करने के बाद में ही उसे एक्सेप्ट करती है. ठीक है, और इतना छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है कि आपको एनर्जी मिल सके. ओके, तो बॉडी में हम आउटसोर्स से लेते हैं, जो भी फूड लेते हैं हम आउटसोर्स से, बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. ठीक है, और ये एनर्जी हमें
मिलती है एटीपी की फॉर्म में. ओके, सो स्टार मार्क दिस एटीपी. हम इस एटीपी के बारे में कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन अदर पैराग्राफ. अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिजेक्शन ऑफ वेस्ट बिकॉज ऑफ द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट. बट वॉट हैपन्स वेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. ऑल दी सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. दस सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट इनफ फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल दी सेल्स. ओके, जस्ट गिव मी पेन. ओके, यू मे सी ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं अमीबा का. ओके, तो अब क्या है, ये कहाँ पर रह रहा है, आप देखिए वॉटर है इसके चारों ओर. अब क्या हो रहा है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसके अंदर आ जा रहा है फूड. ठीक है, क्यों आ जा रहा है, क्योंकि एक सेल है. चलिए हम यहाँ दो सेल बना देते हैं, आ सकता है. पर अब ये देखिए क्लस्टर ऑफ सेल है. ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं इसके अंदर. तो अब ये जो सराउंडेड सेल्स हैं इनमें तो फूड आ सकता है, पर इनका क्या, इसमें भी तो फूड आना होगा ना. और हम कैसे हैं, ह्यूमन कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे. सेलुलर मीन्स क्या होता है, सेल्स. ओके, तो हम ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, जिसमें क्योंकि हम में मोर देन वन सेल्स हैं, तो हर सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, हर सेल को काम करने की जरूरत होगी. ठीक है, हर सेल को खाने की जरूरत होगी. ठीक है, तो क्या किया जाए, उसके लिए एक प्रोसेस बनाई जाए. तो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल बनाई गई है. आप मुंह से खाना खाते हैं, स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है. एक लंबी प्रोसेस होती है जो हम कुछ देर बाद समझेंगे. ठीक है, और आपके हर सेल तक खाना पहुंचाया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे अमीबा में क्या होता है कि यहाँ ये जो बॉडी होती है ये इस फूड को एब्जॉर्ब कर जाती है. किन किन तरहों से करती है वो अभी हम आगे देखेंगे. ओके, We have seen in previous chapter that in multicellular organism, various body parts have specialized in the function they execute. We have studied these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue. However, this offers a problem as the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism. While these are required by all parts of the body, this situation set up a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. ओके फ्रेंड्स, तो शायद आपको समझ में आ क्या होगा. अगर नहीं समझ में आया तो एक हम छोटा सा रफ सा डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन बीइंग का. ओके, आर्ट मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो जस्ट एडजस्ट दैट. ये देखिए, ये हमने बनाया, ये हमने फूड लिया और ये फूड आपकी पूरी बॉडी पे जाएगा. ठीक है, ये आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, है ना. तो ये विंड पाइप किस लिए है, ताकि ये यहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो सके. ठीक है, ये आपका बन गया. ठीक है, यहाँ पे आके इंडस्ट्राइन वगैरह अदर ऑर्गेनल्स आपके आएंगे. ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्राइंस वगैरह हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन से यहाँ पे जो आपकी सेल्स हैं इनमें जो ब्लड होगा वो सेल्स में ब्लड नहीं होगा, यानी ब्लड होगा, ब्लड में जो सेल्स होंगी वो इसको एब्जॉर्ब करेंगी. किसको एब्जॉर्ब करेंगी, यहाँ के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगी. और आप ये ब्लड आपकी जब पूरी बॉडी में घूमेगा तो जगह जगह जाके फूड सप्लाई करेगा. ओके, और वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, आपकी जो सेल्स हैं वो हर सेल उस खाने को एक्सेप्ट करेंगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी. ठीक है, खाना खाने के बाद आप में एनर्जी आ जाती है. ऐसे हर सेल के पास जब खाना पहुंचता है, जब ये ब्लड के थ्रू खाना ये पूरी बॉडी के हर सेल के पास पहुंचता है, तो वो भी क्या बनाती हैं, क्या प्राप्त करती हैं, एनर्जी. ठीक है, फूड खा के उन्हें क्या मिलता है, एनर्जी. ठीक है, जिसको वो एटीपी की फॉर्म में
रखती है, ये एनर्जी कॉइन्स हैं, ठीक है। अभी भी मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगी, इनके बारे में कुछ देर बाद बताऊंगी, ठीक है। ओके, मूव ऑन। When the carbon source and the oxygen are used by chemical reaction for energy generation, they produce byproducts which are not only unless for useless for the cells of the body, but could even be harmful. These waste byproducts are therefore required to be removed from the body and rejected outside by a process called excretion. Again, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a differentiated tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will require to transport waste away from cells to the excretory tissue. Let us learn about each of these different processes required to maintain life. Okay, तो अब आप देखते हैं घर में मम्मी खाना बनाती हैं। क्या मम्मी खाना बनाती हैं आपकी? जी। ओके, तो जब मम्मी खाना बनाती हैं तो एक साइड में आपने देखा होगा किचन में या किचन के बाहर आपके पास में एक डस्टबिन होता है। होता है क्या? हाँ। क्यों होता है? जो वेस्ट होता है किचन में, जैसे कि हम जब है ना सब्जी काटते हैं तो उसके जो छिलके विलके होते हैं उसको फेंकने के लिए, वो वेस्ट होता है इसलिए। एग्जैक्टली बिंगो। तो सेम यहाँ पे भी होता है। तो जब आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है उस फूड से, तो क्या जितना भी फूड आप लेते हैं उस सब का सब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ आपकी बॉडी में जब मेंटेनेंस होती है तो उस मेंटेनेंस में भी कूड़ा करकट निकलता है, तो उसको भी बॉडी से बाहर करना होता है। अगर आप लेते ही जाएंगे तो इंसान हाथी की फॉर्म में कब चला जाएगा, और हाथी तो जाने कहाँ ही चला जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी है कि फूड अंदर जाए और जितना भी वेस्ट मटेरियल है घर के बाहर जाए। सेम वैसे ही जैसे आपके घर में नई चीज़ें आती हैं और पुरानी चीज़ें आप उनको उठा के बाहर फेंकते हैं आप। ओके, तो और जब फूड हम कुक करते हैं तब भी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, सब्जी के छिलके हैं, बाकी चीज़ें जो यूज रहे से, उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जब बॉडी के अंदर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या मैं समझा पाई आपको? यस। ओके, तो वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो एक काम करते हैं आज का वीडियो यहीं तक ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ताकि वीडियो ज़रूर से ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और आपको पढ़ने में या समझने में परेशानी ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको और कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? क्या आपको समझ में आ रहा है मैडम? यस। ओके, इनको तो समझ में आ रहा है, शी इज स्माइलिंग। तो अगर आप भी स्माइल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नॉलेज हमेशा बांटनी चाहिए, और आप भी बांटेंगी ना? जी। ओके, तो आप भी नॉलेज बांटिए। देखिए, आप पढ़ें तो अकेले मत पढ़िए, पढ़ने उसके बाद पढ़ाइए, बेस्ट मेथड है आपकी नॉलेज को एनहेंस करने का। पढ़ के आपको जो समझ में नहीं आती ना, वो चीज़ आपको पढ़ा के समझ में आती है। ये मैडम भी अपने छोटे भाई को पढ़ाती हैं ताकि इनके भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हों, और आई कैन से इट प्राउडली कि इनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ये आप थोड़े टाइम में देख लेंगे। तो अच्छाई करते रहना चाहिए, अच्छाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं घूम के निकी आपके पास ही वापस आती है, आपके साथ ही कुछ बहुत अच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स, सो इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ में आज के वीडियो को ओवर करते हैं, एंड लाइक प्लीज कीजिएगा। मैम ने थंब दिखाया है याद दिलाने के लिए कि इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर स्टडी वीडियोस। हाँ, एग्जैक्टली। ओके फ्रेंड्स, सो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।